चिकू ने कहा निकालिया, मैंने खा लिया और खा लो दूध पी लिया चिकू ने। हाँ चिकू हमेशा ये कहते हो कि मैं इतने काम कैसे कर लेती हूँ। मैं आपको बताऊँ, काम को इनिशिएट करने की ताकत होती है, यह सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। अगर आपके अंदर ये चीज़ आ जाती है तो आप सब काम कर सकते हो। जैसे मैं बताऊँ, स्टोर रूम की सफाई करनी है, फैला पड़ा है और बहुत सारा सामान स्टोर रूम के अंदर है, तो आप सोचोगे अरे क्या करना, कैसे करें। लेकिन अगर आप एक बार लग जाओगे ना तो आप करके ही छोड़ते हो। भाई एक दिन में नहीं करोगे तो दो दिन में कर लोगे, लेकिन हो जाता है। लेकिन जो इनिशिएट करना होता है ना, जो स्टार्टिंग होती है किसी भी चीज़ की, वो ही सबसे मुश्किल होती है। उसके अलावा कुछ मुश्किल नहीं होता। तो जब भी मैं कोई काम करने की सोचती हूँ, जैसे सिलाई का कोई मैं प्रोजेक्ट लेके बैठती हूँ, तो जैसे आज बैठी फॉर एग्जाम्पल, अब इस टाइम में बैठूंगी तो मुझे लगता है कि बैठूँ कि नहीं बैठूँ, अरे छोड़ो अब एक घंटे में होगा कि नहीं होगा, अभी तो मतलब थोड़ा सा ही टाइम है, इसमें मैं नहीं सिल पाऊंगी, ये सब नहीं। इनिशिएट का मतलब है करना है ना तो बस करना है। फिर आप देखते हो कि वो अपने आप टाइम से ख़त्म हो जाता है। तो थोड़ी सी स्ट्रांगनेस, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग बनाइए किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। जब भी मैं आप लोगों को अपना कोई कलेक्शन दिखाती हूँ, चाहे वो बेडशीट्स का हो, मतलब घर के सामानों का हो, या मेरे खुद के कपड़ों का हो, तो आप हमेशा बोलते हो कि आपके इतने पुराने पुराने कपड़े भी साफ़ सुथरे नए कैसे रहते हैं। और स्पेशली जो मैं वाइट बेडशीट्स बिछाती हूँ या जो मेरे वाइट कपड़े होते हैं, वो काफ़ी सालों तक बिल्कुल वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। जैसे जो अभी मैंने एम्ब्रॉयडरी वाली बेडशीट हटाई थी, वो करीब 10 साल पुरानी तो होगी, और कोई भी वाइट बेडशीट मेरी अभी नई नहीं है, ये सब पुरानी है। लेकिन ये सब बिल्कुल नई बनी रहती हैं। मेरे जो फैब्रिक्स होते हैं वो जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि अगर हम चीज़ों को ख़रीदते हैं ना तो चीज़ों को संभालना भी एक तरीके से चीज़ों को ख़रीदना ही होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी चीज़ें भी कुछ इसी तरीके से साफ़ सुथरी रहें, तो जो मेरा रूटीन है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि जब कभी भी मुझे वाइट फैब्रिक्स धोनी होती हैं तो मैं हाथ से ही धोती हूँ, मुलायम कपड़े वगैरह, और उसका एक दिन मैं फिक्स रखती हूँ और उसी दिन ये सारे कपड़े धुलते हैं। तो वाइट फैब्रिक्स देखिए उतार ली, और जो मशीन से धुलेंगी वो चले गए मशीन में, और इसके साथ साथ जो हाथों से धोने हैं उसको अब बाथरूम में मैंने रख दिया। अब आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कपड़े धोने के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हूँ, कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये देखिए, ये सारी बास्केट जो आप देख रहे हैं, ये मेरे यूटिलिटी एरिया का जब मैंने मेकओवर किया था तब बनाई थी, उसका लिंक मैं आपको दूंगी, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ जो मेरा लॉन्ड्री रूटीन है कि मैं कपड़े कैसे धोती हूँ, उस वीडियो का भी मैं लिंक आपको दूंगी, आप ज़रूर चेक करिएगा। तो कपड़े धोने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है डिटर्जेंट, तो हमेशा यूज़ करिए लिक्विड डिटर्जेंट अगर आपकी फुली ऑटोमेटिक मशीन है। और मैं यूज़ करती हूँ फैब्रिक कंडीशनर इसका कंफर्ट का, इन दोनों को कॉम्बिनेशन में मैं यूज़ करती हूँ। लिक्विड डिटर्जेंट कभी सर्फ का आ जाता है, कभी एरियल का आ जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों चीज़ें एक में मिलें, तो देखिए ये आता है बहुत ही अच्छा खुशबू वाला सर्फ, ये भी लिक्विड डिटर्जेंट है। स्पेशली मैं इसको तब यूज़ करती थी पहले, जब घर में जैसे गेस्ट वगैरह आते थे उनके कपड़े धुलते थे, तो मैं इसे डाल दिया करती थी। तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, और आपको इसके साथ कोई भी फैब्रिक कंडीशनर को यूज़ करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो देखिए, इसको बिल्कुल सिंपल उसी तरीके से इस्तेमाल मैं करती हूँ, और बहुत ही अच्छी खुशबू रहती है और बहुत ही इंटेंस इसकी फ्रेग्रेंस रहती है। इसके बाद देखिए, ये हैं मैश बैग्स। तो इन मैश बैग्स का यूज़ तब किया जाता है जब आपके कपड़े बहुत डेलिकेट हों, जैसे कुशंस हैं, कुछ सूट हैं जिन पे काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, उस तरीके के कपड़ों को इस मैश बैग्स में रखिए, सॉक्स को रख लीजिए और फिर मशीन में डालिए, तो वो इधर उधर मिलते नहीं हैं और उनके ऊपर का जो वर्क होता है वो ख़राब नहीं होता है। तो ये आपके जो अच्छे कपड़े हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, और ये आपकी एक लॉन्ड्री के जो कलेक्शन है उसमें ज़रूर होना चाहिए इन मैश बैग्स को। ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किए थे, इन सारी चीज़ों का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी।
और हाँ, ये कोई कोलैबोरेशन वीडियो नहीं है, सारे प्रोडक्ट्स वही हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। आप इनके अलावा जो भी यूज़ करना चाहते हैं वो प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है ये इजी। ये तो सबको ही पता है, जब कभी भी डेलिकेट कपड़े धोने हों, मैं जब भी हाथ से मुलायम कपड़े, सिल्क के, शिफॉन के अपने सूट या कुशन कवर्स वगैरह धोती हूँ तो इसका यूज़ करती हूँ। और देखिए, ये एक छोटा कम्फर्ट है अलग फ्रेग्रेंस का। अब देखिए, एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपको और बता रही हूँ, ये है इन वॉश जो सेंट बूस्टर की बॉल्स, इनको बोला जाता है, छोटी छोटी सी बॉल्स होती हैं इसमें, ये आपके कपड़ों को खुशबू से भर देती हैं। और मतलब जैसे टॉवल्स वगैरह धोनी हैं, उससे पहले जैसे आपको कोई भी कपड़ा ऐसा धोना है जिसमें आपको लॉन्ग टाइम तक कोई फ्रेग्रेंस चाहिए, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ड्री में जैसे मुझे टॉवल्स धोनी है तो इसे सबसे पहले मशीन में डाला जाता है, अंदर ही ड्रम में डाल दीजिए इन बॉल्स को, और उसके बाद जैसे वॉश होता है, देखिए मैंने इसी के अंदर ये बॉल्स डाल दी हैं, और अब सिंपल जिस तरीके से मशीन चलती है उस तरीके से मशीन को चला लीजिए, और जो इसकी खुशबू है वो बहुत ही अच्छी रहती है। मैं काफ़ी सालों से इसको यूज़ कर रही हूँ। और एक बहुत ही मेरा ज़रूरी प्रोडक्ट है वो है ये वैनिश गोल्ड है। बेसिकली जैसे दाग लग जाते हैं, किसी भी तरह के दाग हों, वैनिश गोल्ड से आप वो सारे दाग हटा सकते हो। आगे इसमें बॉल्स होती हैं, थोड़ा सा छिड़क लीजिए और बॉल्स से इस तरीके से देखिए रगड़ लीजिए दाग के ऊपर, तो जो भी दाग होते हैं ना वो छूट जाते हैं। और इसी तरीके से आता है ये वैनिश लिक्विड आता है, जो कि रेगुलर लेवल पे मैं कपड़ों में यूज़ करती हूँ, और स्पेशली वाइट फैब्रिक्स में। तो देखिए, जो सफ़ेद कपड़े हैं, डिटर्जेंट डाला और उसके बाद वैनिश डाल दिया, और कपड़ों को, जो भी सफ़ेद कपड़े हैं उनको मैं इसमें अच्छे से सोक करने के लिए छोड़ देती हूँ और फिर हाथ से वॉश कर देती हूँ, तो कपड़े बिल्कुल चमचमा जाते हैं। और देखिए, ये एम्ब्रॉयडरी वाली बेडशीट तो हमेशा ही हाथ से धुलती है, और इतने सालों बाद भी ये बिल्कुल नई जैसी लगती है। और हाँ, इसके साथ साथ अगर कॉटन के आपके सूट्स हैं, कपड़े हैं, तो उसके लिए यूज़ करिए रिवाइव का, ये एक स्टार्च होता है, और इसको भी सिंपल जैसे बेडशीट्स होती ना मेरी, जो कॉटन की अच्छी बेडशीट्स हैं या मेरे सूट्स हैं, कुछ अच्छे दुपट्टे हैं, तो देखिए पानी में इस तरीके से डाल के रिवाइव में मैं इन बेडशीट्स वगैरह को भी मतलब लगा देती हूँ रिवाइव, धूप में सुखा देती हूँ। और उसके बाद देखिए डिटॉल, जो कि आजकल के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसके अलावा देखिए एसेंशियल ऑयल हुआ या खाने वाला सोडा जो मैं रखती हूँ, ये सब भी जो है लॉन्ड्री में काम आते हैं। और मेरा एक लॉन्ड्री रूटीन का वीडियो है, उसे आप ज़रूर चेक करिएगा। एक लिक्विड डिश डिटर्जेंट है, देखिए जैसे चिकनाई के दाग किसी कपड़े पे लग जाते हैं ना, तो ये बर्तन साफ़ करने वाले लिक्विड को आप उसके ऊपर रगड़ दीजिए ब्रश से, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और अब ये है एक बहुत ज़रूरी चीज़, यह है देखिए डी स्केल पाउडर, ये फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जिनकी भी है वो इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए पानी के ना अंदर पानी जम जाता है मशीन में, अंदर जितने भी मशीन की मशीनरी होती है, पाइप होते हैं, तो उनको साफ़ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो जब मशीन बिल्कुल खाली हो जाए तब आप इसका पूरा एक पैकेट यूज़ करिए, करीब एक महीने में एक बार या 20 से 25 वॉश के बाद एक बार। और जो मैक्सिमम साइकिल होता है, जैसे कॉटन पे देखिए 1-1.5 घंटे मशीन चलती है, तो मैंने इस पे लगा दिया और मशीन चला दी बिल्कुल खाली मशीन, तो ये बिल्कुल मशीन को बिल्कुल सही रखता है, आपकी मशीन में जो भी गंदगी है वो निकल जाती है, और जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि मशीन में से कितना गंदा और काला काला सा पानी निकल रहा है। तो मशीन की सफाई के लिए ये जो डीस्केल पाउडर है ये बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली उन एरियाज में जहाँ पानी थोड़ा सा खारा है। तो महीने में एक बार, जैसे मेरे यहाँ तो मशीन लगभग डेली ही लगती है, तो मैं महीने में एक बार इस पूरे पैकेट का यूज़ करती हूँ। और ये मुझे तब पता चला था जब मैंने एक बार मशीन की सर्विसिंग कराई थी तो उन्होंने मुझे बताया था। तो अगर आपकी भी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो इस डी स्केल पाउडर का आप रेगुलर लेवल पे ज़रूर यूज़ करिए, आपकी मशीन हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी। और हाँ, एक ज़रूरी चीज़ कि लिक्विड डिटर्जेंट का ही आप हमेशा यूज़ करिए। अब देखिए, जो वाइट विनेगर होता है, जो टॉवल्स होती हैं वो थोड़ी सी कड़ी कड़ी सी हो जाती हैं, तो आप उसे जो है विनेगर में भिगो दीजिए रात भर के लिए, और जब आप उन्हें मशीन में धोएं या हाथ से धोएं तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाती हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि मैं सालों से यूज़ कर रही हूँ अपने एक लॉन्ड्री रूटीन में, और एक फिक्स रूटीन मैंने बना रखा है कि मुझे वाइट कपड़े, डेलिकेट कपड़े अपने हाथ से धोने हैं और किस तरह से उनकी केयर करनी है। तो इस तरह से मेरे कपड़े हमेशा, मतलब मैं कई बार क्या होते हैं, मेरे दसियों साल पुराने भी कोई सूट होते हैं,
मैं अपनी मम्मी वगैरह को जैसे दिखाती हूँ या उन्हें देके आती हूँ कि आप किसी को दे दीजिएगा, तो वो भी बोलती हैं कि अभी तक कितना बिल्कुल साफ सुथरा रखा हुआ है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आप फॉलो करिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो में कोई भी चीज़ पसंद आई हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और आप इससे अलग कौन सी चीज़ जो है अपने लॉन्ड्री रूटीन में यूज़ करते हैं। और इसके अलावा भी कुछ नए नए वीडियोज़ मैं इसी चीज़ को लेके शेयर करूँगी अभी आगे। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।